आज की वीडियो में एक कंपनी के एसएमई आईपीओ की बात करेंगे जिसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है और उसके प्रीमियम में धुआंधार गिरावट हुई है। ये आईपीओ जब ओपन हुआ था ना, इसके प्रीमियम बहुत हाई चल रहे थे और अब जब इसके एंडिंग डेट आ गई है तो प्रीमियम कुछ और ही चल रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर कि कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल कैसे है इस कंपनी के, अभी प्रीमियम कितना चल रहा है और हमें इसमें क्या करना है कल। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी और आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंपनी का नाम है प्लाडा इन्फोटेक सर्विस लिमिटेड। 2010 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका काम जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस देने का है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो कंपनी जो है ना वो वाइड रेंज सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, पेरोल मैनेजमेंट देखना, मर्चेंट एक्विजिशन करना, फील्ड सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, सेलर ऑनबोर्डिंग, जैसे काफी सारे सर्विस अपने क्लाइंट्स को देती है। इनके बिजनेस ऑपरेशन एंड सर्विस की बात करें तो फर्स्ट वन इज मर्चेंट एक्विजिशन, जिसके अंदर ये एक्वायर एंड ऑनबोर्ड करते हैं न्यू मर्चेंट्स को बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। सेकेंड वन इज फील्ड सपोर्ट, इसके अंदर बेसिकली ये मैनेज करते हैं कि टेक्नीशियन देना, वर्कर्स देना, कॉन्ट्रैक्टर देना अलग अलग जगह के ऊपर। थर्ड वन इज रिक्रूटमेंट एंड पेरोल मैनेजमेंट, तो यहां पे ये कंपनी जो पेरोल मैनेज करती है बैंक्स के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए। एंड फोर्थ वन इज अकाउंट मैनेजमेंट, तो ये कंपनी जो है वो प्रोसेस करती है एंड कंप्लेंसेस देखती है अलग अलग मर्चेंट्स के एंगेजमेंट एंड एक्टिवेशन का। तो ये चार तरह की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने अभी तक 1400 से ज्यादा एम्प्लॉयज सर्विस में दिए हैं और प्रेजेंटली ये ऑपरेट कर रहे हैं 12 ऑफिस के अंदर जो कि 12 सिटीज में फैले हुए हैं। तो ये तो होगी कंपनी के पूरे बिजनेस की बात। अब चलते हैं फाइनेंशियल पे और चेक करते हैं कि बिजनेस किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। एसेट्स की बात करें तो लास्ट 4 ईयर में ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स 27 करोड़ के आसपास थे और फिर 2023 तक आते आते वो 28 करोड़ के हो गए हैं। मतलब 3 साल के अंदर अंदर 27 से 28 करोड़ के बीच में एसेट्स मूव कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 50 करोड़ के करीब था, फिर उसके बाद 2 साल ये कम हुआ था। 2021 के अंदर 44 करोड़ हो गया था और 2022 के अंदर ये 48 करोड़ हुआ था। एंड अभी रिसेंट में 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में तेजी आई है और वो बढ़कर 62 करोड़ के हो गए। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ये सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। 2020 के अंदर 1.19 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 के अंदर हुआ था 66 लाख का प्रॉफिट एंड 2022 के अंदर हुआ था 1.09 करोड़ का प्रॉफिट। बट अभी 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है और वो 2.33 करोड़ का बना है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के लग रहा है कि लास्ट ईयर में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करी है और यही वो रीजन है जिसके कारण कंपनी आईपीओ लेके आ गई एंड टू एंड। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो अभी 5.52 करोड़ के है एंड उधारी जो है वो 16.54 करोड़ की है। रिजर्व के मुकाबले में उधारी जो है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना है। बट एक अच्छी बात यह है कि इनकी उधारी जो है ना वो हर साल घट रही है। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो एसेट्स सेम चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है उसके अंदर। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो बीच में 2 साल कम हुए थे बट अभी 2023 फाइनेंशियल ईयर में उनमें अच्छा जंप आया है। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर तो ज्यादा है एज कंपेयर टू सरप्लस के। आईपीओ डिटेल के अंदर ये ओपन जो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा। प्राइस बैंड इसका 48 रुपीज पर शेयर फिक्स कर दिया गया है। एक लोट के अंदर 3000 शेयर है तो एक लोट की वैल्यू बन जाती है 1,44,000 की। टोटल इशू का साइज है 12.36 करोड़ का और ये पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। रिजर्वेशन में मार्केट मेकर का पोर्शन है 5% का, उसके अलावा बचे हुए पार्ट को 2 इक्वल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। रिटेलर्स को इसके अंदर 47.49% का पोर्शन दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये बन जाते हैं 12,22,500 के। अगर हम इसमें लोट निकाले तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हमें 3,000 से भाग करना पड़ेगा तो ये बनते हैं 407 लोट, मतलब 407 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर हम टाइम टेबल देखें इस आईपीओ का तो ये ओपन 29 सितंबर को हो चुका है और क्लोज होगा कल 5 अक्टूबर को। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 9 अक्टूबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका जो फंड है वो अनब्लॉक हो जाएगा 10 अक्टूबर को, और अगर मिल गया तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे 11 अक्टूबर को और लिस्टिंग इसकी होगी 12 अक्टूबर को। आगे चलने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आगे सबको शेयर भी करें। मेरी बस यही कोशिश है कि आप किसी भी गलत आईपीओ में अप्लाई करके ना फंस जाओ, इसलिए मेरे चैनल पे आपको हर आईपीओ के ऊपर रिव्यू एंड स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएगी कि उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो आप भी अपना प्यार जरूर देना चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट करके,
जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। अब देखते हैं कि इससे कितना प्रीमियम चल रहा है और हमें इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है या नहीं करना। अगर मैं अभी की बात करूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइम इसका प्रीमियम चल रहा है 10 रुपीज का, ये रफली बन जाता है 20% के आसपास। बट जब ये आईपीओ ओपन हुआ था ना तो उस टाइम इसका प्रीमियम चल रहा था 41% का। देन नेक्स्ट डे वो गिर कर बन गया 37% का। फिर उसके नेक्स्ट डे में वो गिर के हो गया 31% का और आज ये पहुंच गया है 20% के आसपास। मतलब लास्ट 4 दिन के अंदर कंटिन्यूस की प्रीमियम गिर रहे हैं। तो जहां पहले ये आईपीओ बिल्कुल सेफ लग रहा था वहां आप इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो चुका है। इसमें अप्लाई करते टाइम हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि इसमें अप्लाई हमें कल दोपहर से पहले नहीं करना है। कल इसका लास्ट डेट है तो हमें कल दोपहर से पहले इसमें अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट इज कल दोपहर में इसका प्रीमियम कितना चल रहा है उस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर प्रीमियम जो है वो 15% के करीब पहुंच गया तो इस आईपीओ में रिस्क हो जाएगा, तो फिर इस उस केस में इस आईपीओ को अवॉइड करने में समझदारी है। एंड थर्ड वन इज कल दोपहर के अंदर इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आता है उसके ऊपर नजर रखनी होगी कि बड़े इन्वेस्टर जो है वो इसमें कितना अप्लाई कर रहे हैं। अगर एट प्रेजेंट का सब्सक्रिप्शन देखे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिटेल कैटेगरी में तो ये 31 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, बट एनआईआई जो है बड़े इन्वेस्टर जो है उन्होंने इसको अभी तक 3.98 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो अगर यहां भी फिगर अच्छा आ गया तो उम्मीद हो सकती है कि आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा। आपको प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन की पूरी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर कर दी जाती है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दे दिया गया है। अगर आप आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हो तो उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, वहां आपको डेली के डेली सभी आईपीओ के रिगार्डिंग ऑल अपडेट्स शेयर कर दी जाती है। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर प्रीमियम चेक करने के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मेरा उनको यही कहना है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है तो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा, जिससे आपको यहां वहां कुछ भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। एंड साथ में कल 3 और आईपीओ बंद होने वाले हैं जिसमें एक मेन बोर्ड आईपीओ भी है, उन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो। रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है कि बिना किसी रिव्यू वीडियो को देखे किसी भी आईपीओ में अप्लाई मत करना। पहले कंपनी का बिजनेस समझ लो, फाइनेंशियल देख लो, स्ट्रेटजी देख लो कि उसमें क्या करना है, कितना प्रीमियम चल रहा है, उसके बाद ही अप्लाई या अवॉइड का डिसीजन लेना। मैं आपको हर एक जानकारी शेयर कर देता हूं एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा या सजेशन नहीं दे रहा कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में बाय करो या ना करो, वो प्रॉपरली आपका डिसीजन होगा। मेरा काम है कि आपके सामने सारी बातें शेयर करना। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, जिससे आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।